राजपुरा जी के अंतर्गत खड़ा हूँ। जो 5 साल आपने यहाँ का समय व्यतीत किया है, विधायक रहे हैं, आज मैं इसे बात करना चाहता हूँ। उन 5 साल जो आपने व्यतीत किया है, आज चुनाव लड़ रहे हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा? कोई संघर्ष नहीं है हमारे। मैं अपने को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमको एक बार खुला अवसर प्रदान किया है। किसान ने से उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। 5 वर्ष सरकार ने और सरकार की योजनाओं के माध्यम से काम किया गया है। कप्तानगंज में आज एक चर्चा है 25 साल बनाम 5 साल। 5 साल में भी 2 साल 2.5 साल कोरोना निकल गया, इसके बाद भी हमने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कप्तानगंज की सेवा की है। 930 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट हमने लगाया कप्तानगंज में। जहां आप खड़े हैं कि पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, आज कप्तानगंज नगर पंचायत का 300 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें बनी हैं, 150 करोड़ का बंधे का निर्माण कराया है, कई हजार लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, दो दो बार राशन दे करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज जनता की सेवा की गई है। इसलिए 5 साल का जो समय बीता है वो कप्तानगंज के लिए ऐतिहासिक बीता है। कप्तानगंज में सारी सड़कें टूटी हुई थी 2017 में, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा करके आज जीवन यापन सबका और अच्छा हो रहा है, जो बची है आने वाले समय में पूरी हो। सर जी, सपा के मुखिया जो है कह रहे हैं कि मैं जो चुनौती दे रहा हूँ, कितना चुनौती करना पड़ रहा है? सैद्धांतिक रूप से दिवाली पंचायत सरकार है, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये हमारे बाबा जी की सरकार है, गुंडे माफियों की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार है, इसलिए उनके जो गुंडे माफिया मारे जा रहे हैं तो इसलिए उनका सवाल है। जिस तरह से एक चर्चा है कि आज अन्य सरकार की घोटाली चर्चा होती थी और आज ठोकरी चर्चा, और इस पर आप क्या बोल रहे हैं? अब जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बाबा जी को गुंडे माफिया जब देखते हैं तो उनको बुलडोजर नजर आता है, उनको ठोको बाबा नजर आते हैं। जनता देखती है तो उनको संत नजर आते हैं। वो जनता देखती है जिनको भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, तो उनको संत की छवि और अच्छे मुख छवि दिखाई देती है। सर एक क्वेश्चन और आपसे, जो शिक्षा मित्रों के 1,72,000 शिक्षा मित्र भुखमरी के कगार पे आज पहुँच चुके हैं, जिनके 40,000 से अधिक अखिलेश यादव जी ने किया था, आज उसकी तरीका से तमाम लोग आज सब खुश हैं। किसी की कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार उस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अभी हमने बात किया चंद्रा जी से, जिस तरह से उन्होंने कहा जा की रही भावना जैसी पूर्व मुद्दे की पैसी, और ऐसे विधायक यहाँ पे आज फिर विजय सिंह करेंगे। मैं नीरज श्रीवास्तव धन्यवाद।